आप अड़हल जानते हैं? अड़हल, अड़हल नहीं जानते? हमारे यूपी में उसको अरहर बोलते हैं, कहीं कहीं इसको तुअर बोलते हैं, तुअर बोलते हैं। अब तो समझ रहे हैं आप अड़हल। अड़हल का फूल खाने में बड़ा मीठा लगता है। कार्तिक के महीने में अड़हल बहुत होती है, चैत्र के महीने में वो काटी जाती है, जिसकी दाल भी बड़ी चावल के साथ बड़ी अच्छी लगती है। उसका फूल महादेव के ऊपर चढ़ाने से शत्रुओं का नाश हो जाता है, दुश्मन समाप्त हो जाते हैं, ऐसा शिव महापुराण में लिखा हुआ है। अड़हल का फूल भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाया जाए। लिखा है जपा कुसुम पूजा तु शत्रुनाम मृतुदास मृता, संस्कृत में उसको कहते हैं जपा पुष्प। अड़हल का फूल महादेव को इतना ज्यादा प्रिय है। फिर कहा घर में बहुत ज्यादा रोगी, रोग समाप्त ही नहीं हो रहा, तो करवीर रानी वही क्रमात। करवीर कहते हैं कनेर को, हिंदी में कहते हैं कनेर और संस्कृत में कहते हैं करवीर। कनेर को संस्कृत में कहते हैं करवीर। तो वर्णन किया गया, इसमें कहा गया है रोगो उच्चाटन कानी है करवीर रानी वही क्रमात। करवीर यानी कनेर का फूल महादेव के ऊपर, पीली कनेर आती है, लाल कनेर भी आती है। पीली कनेर चढ़ाओगे तो उससे विद्या बढ़ेगी और लाल कनेर चढ़ाओगे तो दुश्मन समाप्त हो जाएंगे। कनेर का फूल भगवान महादेव को इतना प्रिय है, भगवान शंकर कनेर के फूल से भारी प्रसन्न होते हैं। रोग उच्चाटन का रोग इत्यादि सब समाप्त हो जाते हैं, ये बड़ा उनका प्रभाव है। बंदूक भूषणा भ्या जाता वहा नाम अनुशंसय। सुसोनक्षियों को कहते हैं जो बातें बताई जा रही हैं इसमें बिल्कुल भी संशय न समझा जाए। एक गुलदू पहरिया कोई फूल आता है, गुलदू पहरिया, इसके फूल चढ़ाने से आभूषणों की प्राप्ति, चमेली के फूलों से निस्संदेह लोगों के पास में वाहन की प्राप्ति। इसमें घोड़ा, उस समय लोग घोड़े पे ही चलते थे, तो उस समय इस फूल को चढ़ाने से लोगों को घोड़े मिल जाते थे, चमेली का फूल चढ़ाने से। वर्तमान समय में घोड़े का मतलब समझ लो मोटर कार है, मोटरसाइकिल, मारुति, और ये कौन कौन सी बड़ी बड़ी गाड़ियां, हमसे तो छोटी का ही ज़्यादा नाम आता है। तो ये सब चीज़ें, ये सब मिल जाती हैं, यह इसकी इतनी बड़ी महाराज महिमा है। और भी वर्णन है, निसंदेह उन्हें घोड़ों की प्राप्ति हो जाती है। एक बार जयकारा लगाइए बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अलसी जानते हैं आप? हाँ, भगवान महादेव को अलसी चढ़ाने से यदि कोई विष्णु का भक्त है उसको इष्ट दर्शन हो जाएगा। शंकर को अलसी इतनी प्रिय है, भगवत दर्शन हो जाएगा, वो लोग भगवान को अति प्रिय हो जाएंगे जो भोलेनाथ के ऊपर अलसी चढ़ाते।